Hello my dear kids, welcome back to the Brain Root series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are learning English grammar of class 7. So here is a book and the name of the book is Grammar Glitter Odyssey. Today we are going to start with chapter number 18 and the name of the chapter is Punctuation. So yes, we are going to learn about various punctuation marks here. In this chapter, we will learn about full stop, apostrophe, question mark, quotation mark, exclamation mark, semicolon, comma, and colon. So, punctuations are the mark used to separate letter. Punctuation kya hai? Ye ek mark hai jise use kiya jata hai letters ko सेपरेट करने के लिए, वर्ड्स को सेपरेट या फिर सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए. द मेन मार्क ऑफ पंचुएशन आर, सो पंचुएशन के कुछ मेन मार्क्स हैं, क्या क्या हैं? फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप. फुल स्टॉप कब हम यूज करते हैं? इट इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ एन असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस. सो जब भी हम किसी असर्टिव या इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, वी यूज अ फुल स्टॉप एट द एंड. यूज इन एब्रिविएशंस, तो जब भी हम किसी चीज़ का एब्रीविएशन लिखते हैं, मीन्स फुल फॉर्म लिखते हैं, तो भी हम फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं. फॉलोज मोस्ट इनिशियल, ज़्यादातर इनिशियल्स के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं. एग्जाम्पल इज आई फाइंड ग्रामर इंटरेस्टिंग, फुल स्टॉप. एंड प्रोफेसर में आप देख सकते हैं एब्रीविएशन है प्रोफेसर का, PROF, फुल स्टॉप. एंड MK गांधी मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं फुल स्टॉप इज यूज्ड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क. मार्क्स द एंड ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चन, ये क्या करते हैं? किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्ट एंड करते हैं जब, तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. मार्क्स द एंड ऑफ अ क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग में भी हम इसे यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज योर नेम एंड यू विल बी हैप्पी वोंट यू. नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ एन इंटरजेक्शन और एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सो किसी भी सेंटेंस में, जैसे कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या इंटरजेक्शन, उसके बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है. वाव, इंटरजेक्शन है तो यहाँ पे लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ भी लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे. नेक्स्ट इज कॉमा. इट सेपरेट्स थ्री और मोर आइटम्स इन द लिस्ट. कॉमा क्या करता है? तीन से ज़्यादा आइटम्स को जब हमें सेपरेट करना, अलग अलग लिखना है, तब भी हम इसे यूज़ करते हैं. इट सेपरेट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अलग करता है. सेपरेट्स अ मेन क्लॉज फ्रॉम द सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से अलग करते समय भी हम कॉमा को यूज़ करते हैं. When the subordinate clause begins the sentence, जब subordinate clause क्या करता है? Sentence को start करता है. Before a question tag से पहले लगाया जाता है. After yes or no if they begin a sentence, तो yes or no के बाद भी लगाया जाता है अगर sentence शुरू होता है इससे. And the examples are today I bought oranges, a dress, shoes and a hat. तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं, उनके बाद कॉमा लगा हुआ है. सेकेंड वन, ही वेंट ओवर द हिल, वो वेंट हिल पे गया. एंड द विलेज कुड बी सीन, और विलेज वहाँ से दिखाई दे रहा है. तो आप देख सकते हो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, तो इनके बीच में भी ये लगाया गया कॉमा. नेक्स्ट इज दो द विलेज वॉज फार शी वॉक टिल देयर. सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोनों क्लॉजेस के बीच में कॉमा लगाया गया है. यू आर ऑलरेडी अर्ली, आरएंट यू, तुम जल्दी हो क्या, ऐसा है या नहीं? तो यहाँ पे भी क्वेश्चन टैग है, उससे पहले कॉमा लगा हुआ है. येस आई विल बी देयर, सो येस, ये येस नो क्वेश्चन है, तो इसमें भी येस के बाद कॉमा आपको दिखाई दे रहा है. नाउ चिल्ड्रेन, द नेक्स्ट वन इज अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी क्या लगाते हैं? कॉमा, ये हमारी जो लाइन है तो नीचे लगता है कॉमा, अपोस्ट्रोफी लगता है ऐसे ऊपर किसी भी वर्ड के बाद. सो अपोस्ट्रोफी शोज बिलोंगिंग, ये बिलोंगिंग शो करता है. एंड द एग्जाम्पल इज रीमा'स ड्रेस,
द चिल्ड्रंस बुक. तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, रीमा की ड्रेस और चिल्ड्रन की बुक की बात हो रही है, तो यहाँ बिलोंगिंग शो कर रहा है. इंडिकेट्स मिसिंग लेटर इन द कॉन्ट्रैक्शन, किसी भी मिसिंग लेटर के लिए भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब किसी भी वर्ड को छोटा करके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो भी हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं. वोंट एंड डिडंट. नेक्स्ट इज स्पीच मार्क और कोटेशन मार्क. क्या होते हैं ये, दे डिनोट व्हाट इज सेड इन डायरेक्ट स्पीच. तो ये तब हम यूज करते हैं जब कोई भी चीज डायरेक्ट स्पीच में बोली जा रही, मीन्स कोई भी चीज को डायरेक्टली आप किसी पर्सन तक कन्वे कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. एंड द एग्जाम्पल इज गुड मॉर्निंग शी सेड, विल यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे. सो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट स्पीच की का यूसेज हो रहा है. नेक्स्ट इज सेमीकोलन. सेमीकोलन, दिस इज द साइन ऑफ सेमीकोलन एंड इट इज यूज टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अलग करने के लिए यूज किया जाता है. वेयर ईदर और बोथ द क्लॉज आर शॉर्ट एंड द आइडिया एक्सप्रेस आर क्लोजली कनेक्टेड, जब दोनों में से एक क्लॉज जो है शॉर्ट है या फिर जो आइडिया है वो कनेक्ट कर रहा है आपस में. एंड द एग्जाम्पल इज आई वेंट टू टेनिस कोर्ट, इट वॉज क्लोज फॉर द इवनिंग. तो ये दोनों सेंटेंस क्या है, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे सेंटेंस में भी हम सेमी कोलन यूज करते हैं. नेक्स्ट इज इट सेपरेट्स आइटम्स इन अ लिस्ट वेयर ईच आइटम हैज अ कॉमा इन इट. तो ये क्या करता है, आइटम्स को लिस्ट से जो है अलग करता है, जहाँ पे हर एक आइटम में एक कॉमा होता है. आई हैव बीन टू कैलिफोर्निया, इदाहो एंड एरिजोना इन द US, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, इन यूरोप, नाइजीरिया एंड अफ्रीका. तो आप देख सकते हो इन सब जगहों पे सेमीकोलन को यूज़ किया गया है. तो इन सारी पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है. नेक्स्ट कम्स कोलन. अभी तो हमने सेमीकोलन के बारे में पढ़ा था, जो आधा कोलन का एक पार्ट है, अब हम पढ़ेंगे कोलन. इट इंट्रोड्यूसेस अ लिस्ट, लिस्ट की बात कर रहे हैं. देयर आर सेवरल डेज इन अ वीक. अब आप देखो वीक के बाद यहाँ पे कोलन लगा हुआ है. अब कौन कौन से दिन हैं वो लिखे हुए हैं. सो दे आर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. नेक्स्ट टू प्रोवाइड एडिशनल डिटेल एंड एक्सप्लेनेशन. एडिशनल डिटेल और एक्सप्लेनेशन देने के लिए भी यूज किया जाता है. दिस इज अ चैप्टर ऑन सेंटेंसेस सिंपल एंड कंपाउंड. तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए भी इसे यूज किया जाता है. आफ्टर सैल्यूटेशन और इन फॉर्मल लेटर. सो सैल्यूटेशंस के जो भी लिखा जाता है उसके बाद इसे यूज़ किया जाता है, या फिर फॉर्मल लेटर्स में इन्हें यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जब हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम कोलन लगाते हैं. नेक्स्ट इज यूज्ड लाइक अ कॉमा टू इंट्रोड्यूस अ कोट. सो कोट को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी इसे कॉमा के फॉर्म में हम लिखते हैं. एंड द आंसर इज, द एग्जाम्पल इज अ वाइज मैन सेड, यहाँ पे आप देख सकते हो लगा हुआ है, Think not what the nation can do for you, think what you can do for the nation. Now, so children, these were some of the points that we have learned here. We use the hyphen in compound words. हम एक hyphen भी use करते हैं, ऐसा होता है वो hyphen, small dash type. And the example is long term, good natured. We also use a hyphen to join prefix and other words. Prefix और दूसरे words को join करने के लिए भी हम hyphen को use करते हैं. Self-service pre-exist. Now let's move on to this exercise. Exercise A from a book. And the first question is, rewrite these sentences in your notebook using comma, full stop, apostrophe, question mark and exclamatory mark wherever necessary. सो हमें क्या करना है, सारे पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करना है जहाँ पे भी जिसकी ज़रूरत है. सो द फर्स्ट वन इज लेट्स ईट ग्रैंडपा. सो लेट्स में आप देख सकते हो व्हाट विल बी द आंसर, एल ई टी एंड देन अपोस्ट्रोफी एंड दिस एस, लेट्स ईट ग्रैंडपा एंड देन फुल स्टॉप. नेक्स्ट इज These are my daughter's shoes. तो क्या बनेगा सेंटेंस, These are my, अब डॉटर के शूज की बात हो रही है तो डॉटर अपोस्ट्रोफी एस हो जाएगा, डॉटर्स
shoes. Clear? And then full stop. Yes, Rita is in the is the school captain. तो हम लिखेंगे yes, then comma, then Rita is the school captain. And then full stop. So like this, children, you have to complete the rest of the questions that are left here. Now let's move on to B part. Fill in the blanks with correct options. तो यहाँ पे कुछ options दिए गए हैं, हमें उन्हें देखना है and then we have to fill in the blanks. His dash house is up for sale this month. तो यहाँ पे house means एक noun की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा father's apostrophe s. The dash vice president has resigned. अब यहाँ पे भी ये vice president क्या एक noun है, तो companies apostrophe s. The dash presentation was very good. The students apostrophe s लगाना है. So like this, complete the rest of the questions. Now children, let's learn capital letters are used. कहाँ कहाँ पे हम capital letters को use करते हैं? To begin a sentence, जब भी हम कोई sentence start करते हैं, it starts with capital letter. My brother has gone to his school. Second one, to begin each line of the poem. Poem की हर एक line को start करने से पहले we will use capital letter. Next is to begin the name of books, newspaper, magazine, etc. So किसी भी proper name के साथ आप कह सकते हो कि capital letter को use किया जाता है. Books के name, newspaper, magazine, इन सब के name के साथ इनका जो पहला word है capital हो जाता है. To begin all proper noun and adjective forms from them. जब भी हम किसी proper noun या adjective की बात करते हैं, then also we use the capital letter. To begin the name of the days of the week. Days of the week या month of the year, इन सब के नेम लिखने के लिए भी यूज द कैपिटल लेटर. टू राइट द प्रोनाउन आई एंड इंटरजेक्शन ओ. जब भी हम प्रोनाउन आई लिखते हैं या इंटरजेक्शन ओ लिखते हैं, हम हमेशा उसे कैपिटल में लिखते हैं. टू राइट वर्ड्स रेफरिंग टू गॉड. गॉड से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनके लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ओ गॉड, यू आर द फादर एंड मदर. सो इन सब में आप देख सकते हो कैपिटल लेटर को यूज किया गया है. नाउ लेट्स क्विकली डू दिस एक्सरसाइज एंड द क्वेश्चन इज पंचुएट एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दी गए हैं, हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर यूज करना है एंड देन रीराइट द सेंटेंस. फर्स्ट वन इज शी लिव्स इन दिल्ली. तो शी का एस कैपिटल, lives in and Delhi is the name of a place, so Delhi ka Delhi ka D capital and then full stop. Next is Guru Tegh Bahadur was the ninth guru of the Sikhs. Ab second mein hum kya likhenge, Guru Tegh Bahadur, kyunki name hai to first word capital hoga, first letter capital hoga har ek word ka. Was the ninth guru of the sixth ka s capital and then full stop. Our examination begins in March. So our ka O capital and March ka M capital. So like this, complete the rest of the questions and insert the capital letter wherever required. Next question is, complete the sentences with appropriate punctuation mark. So sentences ko complete karna hai punctuation mark se. And one example is given here, we are going to Atlanta for Thanksgiving. This is a sentence, so yahan pe humne full stop lagaya hai. Now where is turkey, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो we will put question mark. I love pumpkin pie, full stop. Happy Thanksgiving to all, again full stop.
So complete these on your own. Next is identify the words that need a capital letter. उन words को identify करना है जिसको capital letter की ज़रूरत है and rewrite the words with capital letter. तो इसे तो ज़रूरत नहीं है, next को भी ज़रूरत नहीं है. Monday needs capital letter. तो Monday का M capital and we are writing it again. Mr. M capital and King का K capital. इसको भी ज़रूरत नहीं है. Rest, find it yourself. Next is rewrite each sentence below. Decide which kind of punctuation mark is missing and should be used. Circle the correct choice. तो हमें क्या करना है, sentences को read करना है और यहाँ पे punctuation mark decide करना है कौन सा यहाँ पे जाएगा. First one is why can't I go to Jim's birthday party? मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ जिम के बर्थडे पार्टी में? तो आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो. वेयर आर यू गोइंग, द प्रिंसिपल आस्क्ड. दिस इज अ सेंटेंस. सो लाइक दिस कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन चिल्ड्रन. सो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर पंक्चुएशन मार्क. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड आई विल बी मीटिंग यू सून विद अ न्यू वीडियो. टिल देन स्टे एक्साइटेड फॉर द क्लैंप ऑफ नेक्स्ट वीडियो एंड thanks for watching.